पंडित समाज को खंड खंड करके जकार जाने वाली इज्जत नगर की जनता एक बार मिलके बोलिए इज्जत नगर। इज्जत नगर हंगामों हुड़दंगों का देश है, कदम कदम पर हुड़दंग और जगह जगह पर हंगामे। तो सज्जनों, पूरे साल की उठा पटक और धमा चौकड़ी के बाद जिस उत्साह के साथ आप इज्जत नगर के सालाना जलसे में शामिल होते हैं, उसे देखकर श्रद्धा से झुक जाती है हमारी गर्दन, क्योंकि आप महान है, आप ही तीर है और आप ही कमान। ये देखिए, ये इज्जत नगर का मौसम है, ये भी रंग बदल रहा है, पर आप है कि कभी नहीं बदलते। और इसीलिए अखंडता समाज मंडल और नौरंग मोबाइल मंडली की तरफ से हम सब कलाकार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 63 साल की पर झेलम पुल के मंदिर मैदान में आयोजित हुचक हंगामा हुड़दंग महोत्सव में आप लोगों की उपस्थिति और उत्साह देख कर हमारा मन झूम रहा है। आप सब जानते हैं कि नौरंग मोबाइल मंडली के जन्मदाता बजरंगी पहलवान के संरक्षण में पल रहे हैं 175 कलाकार जो करते हैं सिर्फ मनोरंजन का कारोबार। ये है चेला बंधु, बुद्धि और विवेक, दोनों जुड़वा भाई हैं। आजकल बजरंगी पहलवान ने इन्हीं दोनों पर कंपनी चलाने का जिम्मा छोड़ रखा है। आज अखंडता समाज और नौरंग मोबाइल मंडली के कलाकारों के बीच खेला जा रहा है एक खेल। किसमें मिलेगा चांद खींचने का मौका? हाँ, लचक सकती है कमर और खिसक सकती है हड्डी, इसीलिए इसका नाम है कबड्डी। अखंडता समाज के खिलाड़ी और नौरंग मोबाइल मंडली के कलाकार आले में बड़ी फुर्ती के साथ खड़े हुए। कबड्डी शुरू होने वाली है और सिर्फ सिग्नल का है इंतजार। और ये मिला सिग्नल, चलो शुरू हुई कबड्डी। सबसे पहले ललन भैया पहुंचे पाले में और पाले में बिल्कुल उछल कूद करते हुए। ललन भाई की कबड्डी की रोमांचक शुरुआत। ये देखिए, महेंद्र बाबू ने मिट्टी की सौगंध खा ली, आराम से पाले की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो पलटा मार लिया और इसकी वजह से बड़ा भाई को गुस्सा आ गया है। गुस्सा बड़े भाई, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? चरसिया जी ने टाल ठोक दी है, लेकिन इनको तो टांग लिया गया है भाई। अरे बचा बचा, अब अगला खिलाड़ी पाले की तरफ बढ़ता हुआ है। पाले में पटकनी देने के इरादे से, वाह क्या एनर्जी है, क्या फुर्तीलापन। एक बार बता दे कि ये हमारी कंपनी के सूत्रधार भी हैं। भैया विवेक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, नौरंग मोबाइल मंडली के कलाकारों में। अबे क्या, अबे क्या है? क्या बता रही थी? खेल कौन सा दिखा रहे भाई? अरे हम कुछ भी खेल दिखाएंगे भाई, ये तरीका। वो तो कई सालों देख रहे हैं हम, इस बार अगर तुमने ढंग का दिखाया ना, अभी तो सिर्फ दबाया, वो बजाऊंगा पीछे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अबे अरे मेरी जेब में थूक दो। एक मिनट, कमाल है यार, बड़े हैं, सुन तो लो क्या कह रहे हैं। आज जो फूक के गए ना, कल बजा के चले जाएंगे, फिर तमाशा देख के रहना। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या दबा रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? ऐसे ही दबा के गए कोई आदमी शेखर को, वहाँ हंगामा हो गया। ऐसे कैसे दबा के चला गया बे? बोला आज दबाया है, कल बजा के जाऊंगा, अगर कुछ घिसा पिटा दिखाया तो। अरे ये कौन सी बात है, हर साल जो दिखाते वही दिखा रहे हैं ना। अरे छोड़ो चाचा, रहने दो, अब ढंग से दिखा रहे होते साली, ऐसी नौबत आती क्या? ऐसे दबा के मतलब अरे मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि पब्लिक के बीच में कलाकारों को नहीं जाना चाहिए। ढोकर दिखाएंगे किसको, दीवारों को या तोता मैना को? तोता मैना। क्या बकबक मचा रखी है यार। एक काम करते हैं, एक नया रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, हाँ। हम लोगों से भाई आप लोग कुछ भी करवा लो। हाँ। फैसला आप लोग का। हाँ, हम लोगों से भी आप कुछ भी करवा लो, हम तो सूत्रधार हैं और कहानी की कड़ी से कड़ी जोड़े रहेंगे। हाँ। समस्या का जैसा देश वैसा देश। हाँ, हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आजकल की सच्चाई को मनोरंजन के साथ पेश कर। ये आप सही कह रहे हैं, सिंपल एंड बेस्ट, सही बात है। अरे वाह पापा जी, क्या बात है, सिंपल बता करो जाके। एक मिनट, एक मिनट, नो एक्सपेरिमेंट, ओके, लेट्स डू रिमिक्स, ठीक है, ट्रू एंटरटेनमेंट विद हॉनेस्टी। सही बात है, सही बात है। तो समय विश्व के ज्ञाता, कलाकारों के भाग्य विधाता, गुणी जन दर्शक महान, नौरंग मोबाइल मंडली करती है आपको प्रणाम और शुरू करती है आज का खेल, सच और झूठ का मेल। तो आइए देखें सुने आज का खेल।
चेतना में उसमें लाखों छेद, क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं रहा कुछ भेद। कैसी तेरी दुनिया दुहाई मेरे रामा, अपनी समझ में न आई मेरे रामा। जीवन सासे रिश्ता नाता बन गया कंप्यूटर, जीवन सासे रिश्ता नाता बन गया कंप्यूटर। सारे जग में एक ही भाषा फेसबुक और ट्विटर, बात जोड़ते बेला बीती जीवन बना कतार, इंसानों का जंगल हो गया तेरा ये संसार। तमाशे के लोग तमाशा करते हैं, आपको आएगा पसंद ये आशा करते हैं। हमें तमाशे के लोग तमाशा करते हैं, आपको आएगा पसंद ये आशा करते हैं। आपको आएगा पसंद ये आशा करते हैं। नमस्ते सर। चुप चुप। इतनी शक्ति हमें दे न दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
नमस्कार पंडित जी। नमस्कार श्रीमान जी। अरे पंडित जी नहीं, अपने आप को वकील कहते हैं जी। मानव चतुर्वेदी है? ये मानव चतुर्वेदी वकील नहीं, फ्रॉड है ये। देखिए कितनी गलत बात आप भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तो आदमी मुसीबत में है, उसके ऊपर आप इस तरीके की भाषा। इन्होंने और इनके साथियों ने पूरे थाने को अपने सर पे उठा रखा है। थाने पे ऐसी समस्या मैंने पहले कभी नहीं सुनी। अब इसका फैसला आप ही करो, मेरे बस का नहीं है। सर बहुत आवाजें आ रही हैं, बहुत जोरों से आ रही हैं सब। कितने आदमी होंगे अंदाज से? हजारों भी हो सकते हैं, दंगा भी हो सकता है सब। अपन कितने आदमी हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात। आपको गिन लिया सो? फोर्स बुला लेंगे। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? ये दा दा ये नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे आस पड़ोसी सगे संबंधी कॉलोनी के लोग हैं, जिसने जहाँ पे सुना नंगे पर दौड़ पड़े सांत्वना देने आए हैं। आप हमारी गाड़ी पे चलिए सर। नहीं आप चलिए, हम अपनी गाड़ी में आएंगे। चलिए चलिए चलिए, आप गाड़ी बैठिए सर। चलो गाड़ी ले चलो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ एक मिनट। हाँ मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। मैं मानव चतुर्वेदी का पड़ोसी हूँ और मानव चतुर्वेदी और मेरा खाना पीना एक साथ रहता है। सुबह नाश्ता मेरे घर में करते हैं, मैं लंच उनके घर में करता हूँ, वो डिनर मेरे घर में करते हैं। रात को जब सोने का खाना खा के देखता हूँ उनका मकान बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पे है। सुबह सुकर उठता हूँ तो उनका मकान चोरी होगा, सब कुछ गायब हो गया। ऐसा कैसे सकता है? बंगला दिखाने के लिए कहिए। अच्छा बंगला दिखा। बंगला कहाँ है जो दिखाए? बंगला चोरी हो गया ना। अरे यार जिस जगह बंगला था उसको स्पॉट पे चलो। ये डंडा कितने फुट का? ये तीन फुट का साहब। एक काम करो, तुम इस डंडे से पूरे मकान की चौहद देना। यस ठीक है। भाई कितने कमरे थे आपके? चार बेडरूम हॉल किचन। यार ये अंधेरा क्यों है? क्योंकि आंखों पे काला चश्मा है साहब। चिपक के क्यों खड़े हो यार? सर अभी आप हमारे किचन में खड़े हुए हैं, यहाँ पे गैस चूल्हा था और पीछे वो देखिए गैस सिलेंडर रखा हुआ। इनमें बर्तन सब इसकी खांचों में रखे हुए थे, दीवार के साथ जुड़े हुए थे, सब उठा के ले गए सर। फिंगरप्रिंट उठा। अच्छा ये जो है चतुर्वेदी जी, शौचालय बहुत है आपके यहाँ? सर शौचालय बहुत नहीं है, सिर्फ शौचालय ही दिख रहे हैं इसलिए बहुत लग रहे हैं। अच्छा नाम चतुर्वेदी हिंदी और सिटिंग पोजीशन इंग्लिश? कल्चर मिक्स हो गया सर, वी डोंट हैव एनी चॉइस सर। सर इस रूम में सारी कानूनी किताबें रखी थी, सब उठा ले गए। वहाँ पे कल रात तुम प्रोग्राम में थे? हाँ वहाँ ले। हाँ ठीक है चलिए सर। अभी मामले की छानबीन जारी है, कोई टिप्पणी नहीं होगी। मैडम प्लीज अपने ये सब प्रोग्राम बाद में दिखाइए, कोई टिप्पणी नहीं। सब लोग आओ, ये वही मिंटू वाला जिसको 6 महीने पहले मार के यहाँ से भगाया था, कान चोरी होने के बहाने फिर वापस यहाँ आ गया कॉलोनी में। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ इसको मारो? आओ आओ इसे सीधे आप लोग ले जाओ। गाड़ी रोको 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 रोको। माताजी से पता, माताजी माताजी प्रणाम। अरे क्या प्रणाम? अब तो ये हिंदी फिल्मों को फॉलो करना छोड़ दो, ये 2012 है, अब तो लेट आने की परंपरा को छोड़ो। देखिए मम्मी। अरे क्या देखे मम्मी, क्या है? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या बात कर रही हैं? हमारे मानव का मकान चोरी हो
हुआ चाची? हम भगवान से प्रार्थना करके आए। महिलाओं को परेशान करने लगे। चलिए आप गाड़ी में बैठिए। महिलाएं बताइए, महिलाएं बता बता। अरे गुस्सा नहीं झेल पाते हो तो गुस्सा करते क्यों हो? चल चलो बैठो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फिर भी घूम के बैठ जाते हो। ये चौकड़ी अभी अपन को उस प्रोग्राम में ले जा रही है, वहाँ पे जितने भी लोग हो ना सबको उठा लेना, पूछताछ अपन थाने में करेंगे आराम से, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए? जी सर। एक मिनट चतुर्वेदी जी, स्टॉप। यह है जागरूक जी का घर। अब आप पुलिस के पास आ गए ना जी, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, दखलंदाजी मत। बिल्कुल, आप काम करिए सर। माता की चौकी जी, इतने लोग? पिछला आदेश कैंसिल। तो फिर बताता हूँ। यस सर। ऐसे होगा इन्वेस्टिगेशन ये? जागरूक जगन्नाथ कौन है? जय माता दी। जय माता जी। मानो चतुर्वेदी को जानते हैं? जानता हूँ, इसीलिए सवेरे से माता से झगड़ा कर रहे हैं। जिस मानव की सुरक्षा चार दीवारों के भीतर होती है, जो मानव अपनी पूरी जिंदगी उस चार दीवारी में बिताता है, तरक्की करता है, वो चार दीवारी और पूरा का पूरा घर गायब हो जाता है। कलयुग है, घोर कलयुग है। आप कैसे कह सकते हैं? आप तो सारी रात यहाँ थे माता के जगराते में, झूठ बोल रहे हो। मुझे ये सब नहीं मालूम, लेकिन माता रानी का जगराता था, मानो चतुर्वेदी असाधारण आमंत्रित थे, पूरी रात यहाँ थे। इस बात की गवाही आप रोड पे ले लो या कोर्ट में ले लो। हाँ ठीक है, आप यही बयान देने के लिए हमारे साथ चलिए, आइए आइए चलिए चलिए। देखिए, मौका मुआयने पर मिले सबूतों के आधार पर हम FIR दर्ज करने की अनुमति देते हैं। 10 दिनों के अंदर, हाँ, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये SP का बात। The house has been stolen of Mr. Manav Chaturvedi. चारों तरफ बेखौफ अंधेरा, कदम कदम पे ठगो का डेरा। अरे मर गया चांद, बुझ गई चुंधैया। अरे ढूंढ रहे हो किसको भैया? यहाँ सब अताओ पता लापता, 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 यहाँ सब अताओ पता लापता।
जमीन है पर मकान गायब, शजर गिरा है दुकान गायब, तीर है लेकिन कमान गायब, खड़ा मुवक्किल बयान गायब। बेनूरी से कर लो कट्टी, खोल दो अब कानून की पट्टी, देख के आंखों से सच बोले, पलड़े में इंसाफ को तोले, कहे नौजवानों का खून रहे ना अब अंधा कानून, हर तरफ फैलाए समता। सारा सिस्टम देश चल रहा लस्तम पस्तम, यहाँ फलाना वहाँ ढीम का, कहीं दहेज का कहीं रेप का, कहीं पे चूल्हा जले न भाई, कहीं पे रबड़ी दूध मनाई, कुर्सी की है खींचा तानी, करते हैं सारे मनमानी, नजर बुरी है मुंह है काला, पड़ा हुआ है अकल पे ताला, हो इन्हें कोई तो दे बता, यहाँ सब आता पता लापता, यहाँ सब आता पता लापता। मीडिया ने किया पर्दाफाश, जीत लिया सबका विश्वास, खेल अजब टीवी के अंदर, बिना ब्याह के हुआ स्वयंवर। जागो और जगाओ सबको, अब तो राह पिलाओ सबको, वरना सब कुछ खो जाएगा, हुआ नहीं जो हो जाएगा। झूठ का पर्दा खोल रहा हूँ, जो सच है वो बोल रहा हूँ, मैं हूँ जोगी रमता रमता रमता। अरे भैया किसका? जनता का सर। पागल हो गए तुम लोग? हमारा लाभ हमारा होना चाहिए। तुम्हारी स्वप्नलोक कॉलोनी ब्रांच ने बीमा किया था द्वारका सदन का, जो चोरी हो गया। सर मैंने तो सिर्फ सर्वे किया था, बीमा तो इन्होंने किया। बोली डोंट वरी सर, सारे प्रूफ सारे पेपर्स रेडी हैं। यस सर, मैंने देखे हैं तुम्हारे प्रूफ, पूरे इज्जत नगर ने देखे हैं तुम्हारे प्रूफ। तुमने घर का बीमा किया और वो घर चोरी हो गया। कल मोहल्ला चोरी करवा देना, परसों शहर चोरी करवा देना, और सारे क्लेम्स लेकर के मेरे पास यहाँ चले आना, कंपनी को डुबा देना। बीमा का सिंपल मतलब क्या होता है? सर बीमा का मतलब होता है चादर बड़ी और छोटी कभी भी फट सकती है, और सिलने की गारंटी हमारी कंपनी की। आपकी से सीखा सर। वेरी गुड, करेक्ट। नाउ गेट आउट एंड वेट। चले 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 चले, आइए आइए, चलिए तो चलो आइए। तुमको तो लेट हो नहीं होता? सॉरी सर, जाते ही हम सस्पेंड हो जाए। लाइन आ दे रे, चल। अरे साहब, सर सर, आपकी फाइल रह गई। इंचार्ज थाना सुंदरों, तुमने हमारे नाम से मीडिया के सामने प्रॉमिस कैसे किया? सर मैंने आपके नाम से नहीं, तो अपने नाम से प्रॉमिस किया। तो मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं? बोल तो वो सच ही रहे हैं सर। क्या मतलब? सर ये सारा का सारा कंफ्यूजन नाम को लेके है सर। माताजी पिताजी ने मेरा नाम सत्य प्रकाश रख दिया है सर, तो इन लोगों ने बिगाड़ के सर उसको एसपी कर दिया। ये मकान चोरी होने के बारे में तुमने कंप्लेन लिखी थी? जी। कब से हो पुलिस में? 7.5 साल ट्रेनिंग मिला के सर। इंचार्ज ऑफ द थाना कब से हो? तीन क्या? तीन क्या महीने? तो बोला के कब? 3 महीने हो गए सर। ऐसी बेतुकी एफआईआर कभी सुनी थी? नहीं सुनी सर। मुआयने मौका पे मिले सबूतों के आधार पे सर, और अपना पब्लिक के प्रेशर की वजह से मुझे एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन 10 दिन है सर हमारे पास, 2 दिन के अंदर ये चतुर्वेदी का बच्चा सारा सच उगल देगा सर, कि इस मकान चोरी के पीछे क्या नौटंकी है। आई एम टेलिंग यू सर,
इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, आप टेंशन मत लीजिए सर। बोल चुके जी सर, ये पब्लिसिटी हो या नौटंकी हो ये तुम्हारा टेंशन है, और जिस तरह से ये मुद्दा तूल पकड़ा है ना, अगर 10 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना, तो ये टेंशन तुम्हारा सस्पेंशन हो सकता है। जी शट अप सर, गो। ये पब्लिसिटी हो या नौटंकी ये तुम्हारा टेंशन है, तो ये टेंशन तुम्हारा सस्पेंशन हो सकता है। सर यहीं पर वो बंगला था सर, अभी हम लोगों ने ऑडिट किया है, आप लोगों को प्रॉपर प्रेस रिलीज दिया जाए। जल्दीबाजी नहीं करना इस बार। हाँ सर, नमस्कार। आयुष्मान हाँ, नमस्कार नमस्कार। देखिए देखिए, हाई कमांड से मेरी मीटिंग हो चुकी है मकान को लेकर के, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप आराम से बैठिए, महिलाओं का भी ध्यान रखिए। अच्छा स्वामी जी, सब लोग कॉलोनी की कुंडली बनाइए और पता लगाइए कि द्वारिका सदन का योग क्या बन जाएगी। अब हम द्वारिका सदन की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, इसके लिए अपने खून का एक एक कतरा भी क्यों न बहाना पड़े। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनिए ना, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। इस वक्त हमारा सत्ता पक्ष सोया हुआ है और चतुर्वेदी, अरे आगे तो ले आओ उस बेचारे को, जाओ। अगर ये मानव विकास पार्टी, अरे चतुर्वेदी जी नमस्कार, नमस्कार जी, आइए आइए, हम हैं मुरली, गरीबदास जी के पार्टी से हैं, और हमारी पार्टी आपके लिए आई है, गरीबदास जी खास आपके लिए आए हैं कि आपका मकान मिलना चाहिए। अरे ईट से ईट बजा देंगे प्रशासन की, कोई रोक नहीं सकता, आपको मकान मिलना ही चाहिए, यही उस लीडर का वादा है। आइए आइए आइए, आप आइए। मानव को, मानव का द्वार का सदन मिलना चाहिए। गुरु जी चिंता मत करना, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। बोलो अब क्या बोलूं, जब बोलने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं, जब एसपी साहब ने 10 दिन का इन्वेस्टिगेशन दिया है, मतलब टाइम लिया है, तो अभी क्या बोले। देखिए हम प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं कि कान में रुई डालकर सोना बंद कर। मानव का मकान वापस नहीं मिल जाता, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे लेकिन ये तो सौगंध खा रहे खा रहे। विश्वास जी कुछ करना पड़ेगा, जनता इमोशनल फूल होती है, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। क्यों इधर से दबा, इधर से। तो माता रानी का जगराता था, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे, आमंत्रित थे, पूरी रात हमारे साथ थे। इस बात की गवाही चाहे कोर्ट पे ले लो या रोड पे ले लो, माता रानी की कसम, इतनी शक्ति हमें दी न माता। मकान चोरी हो गया, अरे आप हमें उठा लो, उठा लो, उठा लो, हम हैं ना। हमारा मकान चोरी हुआ, हमें तमाशा बनाया हो। इस समय की बड़ी खबर, द्वारिका सदन की चोरी को परेशान मानव चतुर्वेदी ने खोया आपा। जनता इसका सत्य समझ गई तो तीस साल की राजनीति में दो बार इसके बाप को हरा है, मालूम है बस एक कसर रखी है, इस लौंडे को एक बार पटका नहीं दे दूं बस। क्यों नहीं, मुद्दा तो अब द्वारका सदन है बेटा, ये जो मानव चतुर्वेदी का द्वारका सदन की चोरी, हाँ चोरी बोरी जो भी हुआ है, यही हमारे लिए विधानसभा की सीढ़ी है। गुरुजी सीढ़ी है लेकिन सांप सीढ़ी है, अरे यूथ में ही तो वो शक्ति है, हम सांप और तुम सीढ़ी, और वो हमें चाहिए, उसके लिए जान लड़ा देंगे। हम हैं आपके साथ भैया,
संसद में है रोज कबड्डी तोड़ रहे आपस में हड्डी एक दूजे में जंग छिड़ी है कुएं में ही भंग पड़ी है अरे भागा भूत न मिली लगोटी सत्ता खून न महंगी रोटी है पर माने न कोई खता यहाँ सब गता पता लापता यहाँ सब गता पता लापता अरे पानी नहीं बिजली नहीं हर तरफ है शोर पानी नहीं बिजली नहीं हर तरफ है शोर नेताजी के बंगले पे नाच रहा है मोर जगीरा शारा रा 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 जगीरा शारा रा रा जगीरा शारा रा रा जगीरा शारा रा रा जगीरा शारा रा रा चारों तरफ बहुत बुरी हालत थी भैया वहाँ पर तो और इतनी भीड़ और सारी भीड़ हमारे पीछे है। अच्छा एक मिनट कल हम चलते हैं जहाँ भी सुखी मिल जाए ठीक है वहीं पे उठा के धीरे से पटक बाकी जो भी मामला होगा वो हम सब देख लेंगे ठीक है हाँ भैया जैसे पानी के आसपास उगाती है काई जैसे बरसात के बाद उगाते हैं छोटे छोटे कुकुरमुत्ते वैसे ही दोस्तों चोरी हुए मकान के आसपास उग रही है एक छोटी सी मासूम सी प्रेम कहानी जी हाँ प्रेम कहानी आहा प्रेम कहानी आहा प्रेम कहानी जी हाँ जी हाँ बोल रहा हूँ सदानंद की जी बोल रहा हूँ जी सारे पेपर्स रख लीजिएगा हाँ रख लिए ना जी और हाँ वो बंगले के पेपर जरूर रख लीजिएगा हाँ वो भी रख लिए मैंने और सुनिए वो राशन कार्ड की कॉपी भी हाँ वो क्या राशन कार्ड में रख एक मिनट है हाँ वो भी रख लिया जी और हाँ वो बंगले का फोटो वोटो हो तो वो भी अब वो तो लगा लिया मैंने लगा लिया और वो मेरी फील्ड ऑफिसर से बात हो गई है हाँ ठीक है फिर मिलते हैं कल 11 बजे हाँ ठीक है ना स्विमिंग पॉइंट पर हाँ कल 11 बजे मिलता हूँ मैं हाँ जी एक बार ये बीमा कंपनी वालों का भंडा फोड़ दूं, तो मानव तो गया काम से। एसपी प्रथमेश कुमार द्वारिका सदन की चोरी का पर्दाफाश करने के लिए अवार्ड दे रहे हैं एसपी साहब को सिर पर के सपने देखे ऐसे है ये तिड़के झाम नजर उठा कर जहां भी देखो अरे भांति भांति के तिड़क जाम ये
धोती वाला तिड़क जाम, वो शर्ट पैंट में तिड़क जाम, ये उनको समझे तिड़क जाम, वो इनको समझे तिड़क जाम, ये उनसे बढ़ के तिड़क जाम, वो इनसे बढ़ के तिड़क जाम, इनको उनसे अपना काम, उनको इनसे अपना काम, पर सच्ची सच्ची बात कहे ना इन्हें काम ना उन्हें काम, तिड़क जाम सब तिड़क जाम, अरे तिड़क जाम सब तिड़क जाम, ये दूर की कोड़ी लाए हैं, वो मछली पकड़ने आए हैं, ये खिचड़ी खाकर आए हैं, वो कटिया साथ में लाए हैं, पानी से दूध निकालेंगे, गुटली समेत खाएंगे आम, अरे उल्लू अपना सीधा होवे, इसी पैर में चारों झाम, इसी पैर में चारों झाम, किसकी होगी बल्ले बल्ले, किसकी होगी तिड़क झाम, अब क्या होगा अंजाम, सारे पेपर्स ले आए? बिल्कुल, ये देखिए, वेरी गुड, ये बंगले का फोटो, चलिए एमडी साहब से कल 11 बजे मीटिंग करवा देते हैं जी, और हाँ हम लोग अभी बंगले का सर्वे करके, आप नहीं नहीं आपने बंगले का फोटो तो देख लिया, फिर फोटो से क्या होता है, फोटो तो आप मैगजीन से काट के लगा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से बनवा सकते हैं, या फिर किसी बंगले का फोटो खींच कर भी, अरे आप लोग सर्वे की बात कर रहे हैं भाई, आपको मालूम है सारे पेपर अरेंज करने में कितनी मेहनत लगी मेरे को, सत्य प्रकाश आपने मुझे पहचान, पहचानने की बात फाइल, आप अरे ये फाइल जो है सबूत है, अरे यार पुलिस को फाइल दे दीजिए, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा यार, हो गई इनकी तिड़क झाम, अरे घोड़ा भागा छोड़ लगाम, इज्जत इनकी हुई तमाम, मकान के साथ मुंशी जी नहीं मिल रहे हैं, हम लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मुंशी जी लापता है, नहीं आए? बिल्कुल मुंशी जी लापता हो गए, अरे अभी मकान का आता पता नहीं चला, अब मुंशी लापता हो गया, अरे पगला है साला, अरे एक मुद्दा खत्म नहीं होता साला दूसरा शुरू कर देता है ये, अरे इलेक्शन की तैयारी करे की नहीं करे, जी हाँ दोस्तों, कौन है ये मुंशी, जानने के लिए देखे हमारी खास रिपोर्ट मानव का कुनबा, बंद करो नाटक, साला जब से मकान चोरी हुआ है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है स्वामी जी, भूमि कहाँ है, भूमि मिल जाए, भूमि मिल जाए, हटाओ इनको यहाँ से, हटाओ, प्लेग्राउंड में काम शुरू कराया, तो वहाँ 10 लोग इकट्ठे हो गए कि बच्चे कहाँ खेलेंगे, बच्चे कहाँ खेलेंगे, हा? वो मामला 1.5 साल लटका रहा, उसके बाद शमशान भूमि में हमने काम शुरू कराया, उसके बाद लोग खड़े हो गए कि मुर्दे कहाँ जलेंगे, मुर्दे कहाँ जलेंगे, अब यहाँ काम शुरू करना था तो अब ये देखिए ये प्रॉब्लम है, अरे यार हमें क्या पता कि मुर्दे कहाँ जलेंगे, वो मुर्दे का प्रॉब्लम है यार, अरे बच्चे कहाँ खेलेंगे, वो बच्चे का प्रॉब्लम है, अरे हमारा 25 रन का प्रॉब्लम है, कब मिलेगा यार, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुको, आप हद हो गई, ये तो साहब बिल्कुल, क्या जी हमारे भाई साहब आपके चक्कर में कितने भाई साहब, तो नाम लेके बोलो ना यार, गिरधारी भाई साहब आपके चक्कर में कितने परेशान है, रोज 3-4 बजे रात में उठकर भौजी से लड़ते हैं, अरे क्या भौजी, अरे यार अच्छी बात भी है यार, भौजी को बीच में क्यों लाते हो, कैसा पट्टी के बीच में लाकर बात कर रहे हो, अरे भौजी की बात बीच में, भाई साहब इधर आइए, आइए इधर आइए, देखो क्या दिखा रहे, ये देखिए नक्शा आपका, और ये ग्राउंड प्लान है, इसमें ये बनेगी आपकी बिल्डिंग, तो क्या ऐसे लेटे हुए बनेगी क्या, अरे कैसी भालू जैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसे सीधी होके बनेगी खड़ी होके, ऐसे यूं ऐसे हैं, अच्छा। और ये 5वां माला आपका, आपकी बुकिंग हमें पता है गिरधारी लाल जी, ये 5वां माला आपका, आप इधर आइए, इधर आइए, अरे नहीं नहीं आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या ये रेलगाड़ी आपके साथ चलेगी, अरे यार भैया एक मिनट यार, हाथ जोड़ रहे हैं यार, समझा रहे हैं, समझ लें 2-5 साल में बात ही समझ में आ जाए यार, अच्छा हुआ आपको पोजीशन नहीं मिला, वरना स्वप्न लोक में जैसे द्वारिका सदन गायब हुआ है वैसे ही आपका घर भी गायब हो जाता, फिर क्या करते, ना घर के रहते ना घाट के रहते, अभी भी तो गैराज में ही रह रहे हैं भाई साहब, भाई साहब मेरी बात आप समझ नहीं रहे हो, अभी MLA साहब का फोन आया है, उन्होंने कहा है
कि स्वप्नलोक के सारे कागज लेके मेरे दफ्तर में पहुंचो। हमने ही बनाई थी ना वो भी स्वप्नलोक नगरी। बताया भाई साहब, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जाना। अरे भाई साहब, झंझटे तो मुंशी की आवाज है, है? मुंशी जय दारू मुंशी, एक इसको हटा, इसको हटा, चलो चलो अच्छा साफ सुथरी जगह पे रखो। सर मीडिया के थ्रू आपको पूरा देश देख रहा है, आप बताएंगे आप कहाँ थे अभी तक? सर आपने लास्ट टाइम मकान कहाँ देखा था? एक मिनट मुंशी को होश तो आने दो, फिर कहाँ देखा था ये बाद में पूछना। उस दिन जो है आप पार्टी में चला गया रात। हाँ हम जो महेश वर्मा वाली फाइल, हाँ हाँ वही तो हम देख के गए थे। अचानक देखा तो थर 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 थर, बाप रे। मैंने कहा भाई भूकंप भूकंप। हाँ अचानक जो है हम देख रहे हैं बाहर जाके तो देखे घर चल रहा है भाई, बाकी सब मकान खड़े हैं और हमारा घर चल रहा है। कितने महीने से चल रहा है, कहाँ पहुंचे हैं पता नहीं, और देखे कि हाथ पांव बंधे हैं हमारे। चार पांच साल तक समझो भूख प्यास सब चल रहे हैं, यहाँ पहुँचे हम। क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? जो आदमी तीन दिन को सालों साल बोल रहा है वो अपने होश में है। अभी मुंशी जी जो भी बोले उसके जिम्मेदार हम नहीं है, आप हैंडल करिए। आप स्वप्नलोक कॉलोनी में हो, द्वारिका सदन के ठीक सामने, मुंशी जी होश में आओ। देखिए दो चीजें लापता थी, मुंशी और मकान। आज चौथे दिन हमने मुंशी को अपनी हिरासत में कर लिया है। सर सर मकान का कुछ अता पता चला? आपने हिरासत में लिया लेकिन मुंशी जी तो अपने आप आए हैं। अता पता चला? मकान अभी लापता है, चलो। गायब मकान के रहस्य से उठ सकता है पर्दा। मुंशी अग्निहोत्री पुलिस के शिकंजे में आज से, अभी से, बल्कि इसी पल से हमारे चैनल की पूरी टीम इस केस पर रखेगी पल पल की नजर। प्लॉट 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 प्लॉट, इनको उनको सबको सबको चाहिए प्लॉट। आज आपका रोल नहीं है, आज आपको अरे बाबा मार के आगे बोलता से गुस्सा कर रहा है। अरे सालो आप सालो, अरे तुम तो क्या देख रहे हो पापा, आ गया है बाबा। मैं सिस्टम बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो? सिस्टम में रहो, सिस्टम से जूझो, लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन सिस्टम से खिलवाड़ मत करो, सिस्टम से खिलवाड़ मत करो। बच्चों मेरी बात सुनो, जितनी दिलचस्पी इन उल्टे सीधे प्लॉटों को खोजने में, खेलने में वक्त बर्बाद करते हो, उसका आधा 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 हिस्सा लेकर मेरे साथ खेलते तो भूल गए बाबा। बाबा अपनी हंसी क्यों अपनी मजाक बनवा रहे हो बाबा? आपको आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करो। देखो आपकी Thank you.
तो बंद। चलो गाड़ी में बैठो तुम लोग। इंसानों में पूछता हूँ कि साले तुम जंगल में घुस आए या हम घुस आए हैं? एक मिनट। अरे मकान चोरी हुआ तो जंगल में ढूंढने आए, जंगल चोरी हो जाएगा तो साले बस्तियों में ढूंढने जाएंगे क्या? साले दूसरे के प्रॉब्लम में ना तुमको बड़ी हंसी आती है। अरे पगला गए, दिखाना बंद करो, पगला गए क्या? हमको मजाक सूझ रहा है, चुपचाप बैठे रहो। मामला मजाक का नहीं है। हाँ। अभी ये कितने जंगल बर्बाद कर चुके हैं अपने घर बना के। हाँ। अब यहाँ आए साले मकान ढूंढने के लिए, किस बहाने आए हैं? अभी मकान बनाएंगे फिर बस्ती बसाएंगे। बहुत सीरियस मामला है, कुछ करना पड़ेगा। समझे? करेक्ट। कल की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। चल 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 चल। सॉरी महाराज, लंच में मूली खा लिया था। साला आदमियों को संग रख के पिघल गया है। अरे सुनती हो, जरा स्प्रे देना। मैदान में जाके खड़ा कर देता है, कभी कलाकारों की भीड़ में फंसा देता है, और मैं 100 साल पुराने इस सरकारी बंगले के सामने लाके खड़ा कर दिया। नहीं, नहीं। और बंगला पहचानने का नाटक कर रहा है तू? दो डंडे तेरी पोंद पे पड़ेंगे ना, तो सब कुछ उगल देगा। मेरी बात सुन। मुंशी अग्निहोत्री जी को पकड़ लाए थे, उनकी जमानत हो चुकी है। देखो ये कागज लीजिए, आप जमानत कर दीजिए। सर इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुनिए आप लोग, अभी मेरी बात सुनिए आप। बेवकूफ हम है कि आप है? आप बना रहे हमको बेवकूफ। खाने में बंद करके रखा हमको, 4 दिन से खाना नहीं खाया, और आप हमको बोल रहे हो? और सुनिए, रहूंगा तो मैं अपने बंगले में ही रहूंगा, वरना पूरी दुनिया के सामने डंडे की चोट पर आत्मदाह करूंगा मैं। इनकी जमानत हो चुकी, ले जाइए आप इनको। नहीं, अभी जमानत नहीं हुई है। जैसे मुंशी जी को आप लेके आए थे वैसे ही लेकर जाएंगे। आपकी प्रताड़ना से ये बेहोश हुए हैं, इनको ठीक करा दीजिए, तब तक हम इनकी जमानत नहीं करवाएंगे। अरे संभाल के उठाओ मुंशी को। संभाल के। अरे देख लो मीडिया वालों, पूरा देश ध्यान बचा कर रहे हैं। मुंशी अग्निहोत्री की हालत गंभीर, उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं देखने के लिए हमारे इस छोटे से हॉस्पिटल। आत्मदाह से मुझे रोक नहीं सकता कोई। इसको क्या हो गया? जिनका ब्लड मैच हुआ है उनका नाम है सेवक राम। हाँ? और राधेश्याम। हाँ, डॉक्टर ये लोग हैं, ये लोग, ये लोग हैं, ये दोनों तैयार है। सेवक राम जी, देखिए आपका ब्लड लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता जी। वो मतलब कोई का इंसान नहीं, आप ऐसी बात करते हैं साहब, मतलब कपड़े पहनो हर जगह। अरे तो आप ले लो रिस्क। आप राधेश्याम जी काम के हैं? आइए आइए, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। जाओ 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 जाओ। निकल गया? हाँ निकल गया, निकल गया। घबराने की बात नहीं है, आपका ब्लड निकाल लिया है। ठीक है, तो अरे राधेश्याम, राधेश्याम क्या हो गया? तो राधेश्याम सो मत। अरे राधेश्याम, अरे जाओ डेकाट्रॉन लेकर आओ। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। आपको जो करना हो कर लीजिए,
पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ मुंशी अग्निहोत्री की है और मुंशी अग्निहोत्री पुलिस कस्टडी में है। और मुंशी अग्निहोत्री को खून किसने दिया? राधेश्याम झंझट ने। जिसने भी दिया हो, राधेश्याम झंझट की जिम्मेदारी अस्पताल की आप डॉक्टर से। नहीं नहीं नहीं, इनको 3-4 दिन आराम कराइए। यू कैन टेक हिम होम, नथिंग टू वरी। आराम कराना 4 दिन, ठीक है सिस्टर? लेके जाइए आप। अरे चलिए चलिए चलिए, हटिए हटिए हटिए, संयम बनाए रखिए। चलो 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 चलो, ऑटो पीछे, चलो पीछे ऑटो किए आप, हटिए झंझट को निकलने दीजिए। अरे आराम से आराम से, पुलिस हाथ नहीं लगाओ। नहीं नहीं गुरुजी, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। मानो सरकार से द्वारका सदन हासिल करने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। तुम्हें अपोजिशन का मतलब जानते हो? अपोजिशन का मतलब होता है कि हम हर बात कुछ ऐसा करें कि जनता रूलिंग पार्टी के विरोध में काम करे। अदरवाइज कोई हमें क्यों घास डालेगा? अगर वो नहीं चलेगा तो हम उसे जलाएंगे, हम जलाएंगे, फंसेंगे वो। यानी कि विश्वास और मेवाला। गुरुजी ये ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, अब तो उसे जलना पड़ेगा। हम ही उसे जलाएंगे और हम ही उसे बचाएंगे। अगर रहने की जगह नहीं थी तो पुलिस स्टेशन में आग लगा सकूंगा मैं, देख लेना। आप हम लोगों को तारीफ कर रहे हैं, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, आपके सारे कमिटमेंट फेल हो चुके हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी आप रहने की थाने में व्यवस्था कीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि तुम यही पर हो चतुर्वेदी जी, ताकि हम तुम्हारी तुड़ाई कर तुड़ाई तुड़ाई कौन करेगा तुड़ाई? मुझे मैं देखता हूं कौन करेगा तुड़ाई। मुझे कौन करेगा यहां पर तुड़ाई? अरे तो मरे तो तोप के गोले चलवा दो, हेलीकॉप्टर गिरवा दो सर पे हमारे। बोली के मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं। मेहमान नवाजी की बात कर रही है? आप इस तरीके की मेहमान नवाजी की बात करते हैं? मैं वकील हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, कौन यहाँ रहता है कौन कहाँ रहता है। तुम वकील हो तो तुमको ये पता है कि किसको कहाँ रहना चाहिए, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि तुमको कहाँ रहना है। जी सोच लिया। सोच लिया जी? क्या सोचा? आइए आइए आइए, देखिए कोई मर्यादा मत तोड़िए। देखिए कितनी जगह ही जगह है, आप इस परिसर में कोई भी एक कोना दे दीजिए। क्या कोना दे दीजिए? कोना दे दीजिए? क्या थाना हमको दहेज में मिला है? हमारा भी ट्रांसफर होता ना तो 2 घंटे के अंदर थाना छोड़ना पड़ता है। कोना दे दीजिए, सरकारी संपत्ति है, एक कोना नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन हर जगह तो लिखा रहता है कि सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है और जहाँ आप करें वो सरकारी है, इसलिए हमारी है। जब तक आपकी होती है जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, और जिस दिन आप उसका इस्तेमाल करने की सोचेंगे भी उस दिन वो तुम्हारी नहीं सरकारी है। चुप रहिए आप, बिल्कुल चुप रहिए। कोना दे दो, कोना कोना कहाँ का कोना यार, कौन सा कोना? कल को ये आ जाएंगे कि इनकी बीवी गुम हो गई है, थोड़ी देर के लिए किसी आदमी की बीवी दे दो, कोने में कहाँ से लाएंगे कोना? सर कोने में चलिए, जरूरी बात करनी है। आओ मैजन भाई, आप लोग वही खड़े, आप लोग वही खड़े रहिए, वही रहिए। आप सलाह कर लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप विचार विमर्श कर लीजिए। बिल्कुल कितना बड़ा तंबू लगाओगे? क्या मानव के मकान के मामले में आपसे एक मशवरा लेना चाहिए। ये बताओ कि ये क्या लफड़ा क्या है, ये तुम्हारे इनिशियल के साथ लफड़ा क्या है? ये एसपी क्या, आगे क्या नाम है तुम्हारा? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश आगे क्या है, पूरा नाम क्या है? चौबे। पूरा नाम? सत्यप्रकाश चौबे श्रीमान। तो कभी बोलोगे? 1 महीने के बाद। सत्यप्रकाश चौबे श्रीमान। तो एसपी चौबे क्यों लगाते हो? जानते हो एसपी का मतलब क्या होता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। शट अप। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैं हूँ, प्रथमेश कुमार तुम नहीं हो, तुम सत्यप्रकाश चौबे हो। तो सप्र चौबे लगाओ, सप्र चौबे बोलो क्या? सप्र चौबे। सप्रा सापरा चौबे श्रीमान। निकलो। मशविरा तो मिला नहीं श्रीमान। अब क्या है? ये मालूम नहीं था, जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, तुम बड़े वो हो। निकलो। बराबर रहे हैं ना तो बैठने में आसानी।
कंफर्टेबल। रानी की कृपा से सब कुछ ठीक है। सुबह सुबह शौचालय का काम भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, नल भी लग चुका है, तम्बू भी ठोक चुका है। हेलो, अभ्यंकर बोल रहा हूँ। ये पुलिस स्टेशन के सामने कलेक्टर लैंड है, वहाँ तंबू कैसे लगाया जा रहा है? जी वो किसने दी परमिशन? जी मैं वो परमानंद को लेके फौरन पुलिस स्टेशन पहुँचो। सर वो नहीं है। त्रिलोकी? सर वो दोनों पान खाने गए हैं। तुम कौन बोल रहे हो? जी मैं रामलाल प्यून। फोन रखो। मचो है हंगामा, हंगामा मचो है हंगामा। फोकट में, फोकट में सब परेशान, मचो है हंगामा, हंगामा। जब इस जमीन पर पहले से ही केस चल रहा था तो यहाँ तंबू बनवाने की परमिशन क्यों दी? पिछले साल भी इसी तरह इलीगली वहां नहीं बनवा ली और ये थाने का गेट बनवा दिया। बहाना क्या दिया? थाने की प्राइवेसी खत्म हो रही है। हम तो यहाँ पे सिर्फ 3 महीने से हैं श्रीमान। विल यू प्लीज शट अप। सॉरी सर। सब समझता हूँ। कल सेकंड सैटरडे, परसों संडे और मंडे को स्टे। देखिए साहब, इस आदमी का घर जो है ना, जो कुछ ये तंबू टेम्पररी है जी। कुछ ही दिनों में मकान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी श्रीमान। देखिए सर, अभी इस केस पे मैं जिम्मेदार हूँ। मैं ये केस मॉनिटर करने वाला हूँ। आज से, अभी से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं ठीक करूंगा। वाह, क्या बात है। बहुत कम अधिकारी देखे हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ गैर कानूनी बात करते हैं। महिला मंडल शराब सर। थाना प्रभारी सौ। नमस्ते जी। देखिए, हम देख रहे हैं सुबह से टीवी पे। अब आप देख, जिसका मकान चोरी हुआ है उसको मकान मिलना चाहिए, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है उसे रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। आप लोगों के पचड़े में आम जनता नहीं पिसनी चाहिए, वरना हम आवाज उठाएंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। पिछले साल थाने की प्राइवेसी के नाम पर जो पॉलिसी खेली थी ना, वो तो किसी की समझ में नहीं आई। लेकिन अब जो पॉलिसी खेल रहे हो ना, बहुत परेशानी में पड़ने वाले हो। पूरा देश देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट। शाम तक तंबू खड़ जाना चाहिए। वी आर लेट। सर अब तो हम तंबू लगाए। हाँ लगाओ लगाओ। थैंक यू सर। एसपी, देखिए ये हमारा मामला है। मकान के कागज असली हैं क्या? द्वारका सदन वाकई चोरी हो गया? संभव है, इस कलयुग में कुछ भी संभव है। शनि की 7:30 शुरू हो चुकी है।
इतना चिल्ला चिल्ला के गले क्यों फाड़ रहे हो? अंधेरे में रहने की आदत नहीं है क्या? अरे अंधेरे उजाले का तो चोली दामन का साथ है इज्जत नगर में। जब तक लाइट की व्यवस्था हो रही है तब तक आप लोग भी कुछ खा पी लो और हम भी सांस ले लेते हैं और आगे की कहानी यहीं से शुरू करते हैं। कहीं पे मंडल कहीं कमंडल, कहीं पे फैला है खड़मंडल, कहीं पे अगड़ा कहीं पे पिछड़ा, खाली बीड़ी कहीं पे लफड़ा। अरे रे आम आदमी भूखा नंगा, भाई भाई करते दंगा, तार जुड़े हैं बिना कनेक्शन, कहीं डोनेशन कहीं करप्शन, कैसे कंट्री करे तरक्की, प्लानिंग सारी कच्ची पक्की, रो रही जनता। यहाँ सब मानव चतुर्वेदी को मिली राहत, जब तक मकान नहीं मिल जाता तब तक रह सकते हैं पुलिस स्टेशन की विवादित जमीन पर। अरे लुट गए सरकार जमाना में आग लगो है, अब खबरदार जमाना में आग लगो है। अरे चुप कर गधे, मैं अमर हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, आज नहीं मरा हूँ, कल नहीं मरूंगा, परसों नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। चुप करो बाबा, मेरी बात सुनो। देख रहे हैं तुम्हारी नौटंकी, ये क्या चल रहा है सब, ये क्या है बताओ। सर विधायक जी, अब ये आबा क्या है, जल्दी बोलो, जो भी है जल्दी बोलो ना। चल रही है, अभी तक 27 लोगों की गवाही हो चुकी है विधायक जी, और साथ ही पूरे। अरे भाड़ में गई तुम्हारी गवाही, मुझे बताओ उस जांच का नतीजा क्या निकला, व्हाट इज द रिजल्ट? चिपको मत यार, पीछे जाइए आप लोग, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे 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 हटिए। हाँ बताइए सर, अपन ने डॉग स्क्वाड को सूंघाया, कुत्तों ने प्लाट को सूंघा, और सूंघने के बाद वो आगे बढ़े ही नहीं सर, प्लाट के बीच पे बैठ के आसमान की ओर मुंह करके। ये डॉग स्क्वाड सर वहां करके सूंघा जी सर, और फिर आसमान की तरफ देखने लगे। हाँ सर। शट अप दरोगा जी, मेरी खोपड़ी खराब मत कीजिएगा, मुझे रिजल्ट चाहिए, क्या निकला बताइए। ये मकान जो है वो क्या आसमान में उड़कर गायब हो गया? ये दीवारें, ये खिड़कियां, ये छत, ये क्या हवा हो गई? चल के गायब हुआ है या उड़ के, इस मामले की जांच भी करवा लेते हैं। जो भी करना है जल्दी कीजिए, बस जल्दी कीजिए, इलेक्शन सर पर आ रहे हैं, ये मेरा चुनाव क्षेत्र है, और नहीं तो तुम्हारी ट्रांसफर ऐसी जगह करवाएंगे, ऐसी जगह करवाएंगे जहाँ डॉग स्क्वाड तो क्या आवारा कुत्ते भी नहीं मिलेंगे, समझे? हाई कमान को क्या जवाब देंगे? साहब आपका फोन। हेलो, अरे क्या हेलो चौबे साहब जी सर, कहाँ पहुंचे हो तुम, कहाँ पहुंचे हो? थाने की दहलीज पे पहुंच गया हूँ सर, जल्दी प्लॉट पर पहुंचो सर।
गाड़ी लौटाओ यार। जी साहब जी। मुदली भैया संघर्ष करो। हम बोले मुदली राम जी क्या कर रहे हैं? मुदली राम जी की तरफ से आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक नमस्ते करते हैं। हम आप लोगों से एक बात बोलना चाहते हैं। हमारे इज्जत नगर में मानव चतुर्वेदी का भैया आप संघर्ष करो। हम संघर्ष करेंगे और तुम सब पूरी इज्जत नगर की जनता हमारे साथ है। हम चुप बैठने वाले में से नहीं है। हम देश के युवा है, हमारे ऊपर देश की जिम्मेवारी है। और अगर आज मानव चतुर्वेदी जी का द्वारका सदन चोरी हुआ है तो कल कुछ भी चोरी हो सकता है, क्योंकि हम सब मानव हैं। तो इस मामले में हम क्या करेंगे? बताइए सर। हम उन तमाम लोगों का पुतला जलाएंगे जो साजिश कर रहे हैं। हम उन सब के खिलाफ हैं। इनकलाब। चतुर्वेदी जी को न्याय मिलना चाहिए, उनका मकान उन्हें मिलना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि उसकी वजह से जो उनको मानसिक पीड़ा पहुंची है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या करेगी आपकी महिला मंडल? क्यों नहीं मिल पाएगा? ये रंग कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? मैंने आपको बताया कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आप बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही है। मैंने कोई देश का ठेका थोड़ी ले रखा है। नहीं, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। देखिए, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, भावना जी गुस्से से चली गई है। हमने कई तरह के सवाल उनसे पूछना चाहा, पर उन्होंने हमारे आधे सवालों का जवाब दिया और आधे सवालों का जवाब नहीं दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सपने लोक में लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर मेले जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अगर आप मेरी राइट में देखेंगे तो यहाँ पर लोगों ने स्टॉल्स लगा लिए। यहाँ पर अभी हमें पता चला है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस समय प्लॉट पर SP आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हम द्वारिका सदन के बाहर खड़े हैं। और जैसा कि क्या है, सब बाहर करो, सबको बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, पीछे हटो, चलो हट जाओ। ये राजनीति का अड्डा है या कुश्ती का मैदान है? क्या है ये तमाशा है क्या सब? ए, सुनो तुम, यहाँ कोई भी आदमी सरकारी या गैर सरकारी इस प्लॉट पर नहीं आना चाहिए। फौरन कोर्ट से ऑर्डर ले लो और ये सील कर दो प्लॉट। यहाँ कोई भी आदमी अंदर पीछे जाओ। ये क्या सुनो, सारी दुकानें, ये सारी दुकानें हटा दो, फिकवा दो बाहर। 24 घंटों के अंदर यहाँ कोई भी दुकान नहीं चाहिए। ले लो से लगी है, बिकता है सब औने पौने। ले लो से लगी है, बिकता है सब औने पौने। तू बिक जाए मैं खरीद लूं, संसार सब हो गए रोने। सड़कों पर ये बंद कमरों की कोई साजिश लगती है। चेहरों की मुस्कानों में अब मजबूरी है, देखो किसी की ख्वाहिश लगती है। आदर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
बैठ जाइए। बैठ गए सर। पहले आप लोगों के लिए तंबू लगवाओ, उसके बाद वो वहाँ का वो कबाड़ हटवाओ, फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। अब आप एक काम कीजिए, आप हमारी वर्दी ले लीजिए, ठीक? आप हमारी पोस्ट ले लीजिए, पोजीशन ले लीजिए, थाना ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे रहते हैं और आप पुलिस बन के इन सारी चीजों को मुहैया करवाइए। आप ओवररिएक्ट कर रहे हैं, ओवररिएक्ट कर रहे हैं आप। देखिए, नदियां सूखकर नाला हो गई हैं, पेड़ काट काट कर सिटी बन गई है यहाँ पर, और दो चार ऑक्सीजन के लिए पेड़ लग जाए, हमें तो कोई समस्या नजर आ नहीं रही है। हमें समस्या है। क्या समस्या है? अगर आप ऑक्सीजन चैम्बर में भी घुसा दे तो ये आदमी ऐसा ही रहेगा। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप, गलत बात बोल रहे हैं आप। खिलाफ है, बीमार आदमी है वो, मर जाएगा बेचारा। नहीं, आप कहेंगे कि पेड़ों को बड़ा कीजिए क्योंकि वो ऑक्सीजन देंगे, बेचारे अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, उनको टहलाने के लिए ले जाइए। हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, कोई पर्यावरण में नहीं है। नहीं, आपको इसको लेके कोई समस्या है तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। क्या बोले तूने? कोर्ट में चले जाएंगे। सीधा तू नहीं बोल रहा है, तू आप क्यों जाएंगे कोर्ट में? तो कौन जाएगा? हम जाएंगे। नहीं, आपके लिए तो अदालत में ही रहेंगे। अब तो पेड़ लगना है तो कोर्ट में ही लगेगा, और नहीं लगना है तो कोर्ट में ही लगेगा। ठीक है, कोर्ट में ही। आप एप्लीकेशन दीजिए मुझे। अरे लेकिन आप एप्लीकेशन दीजिए मुझे। अरे तो दीजिए। अरे नहीं, चले जाए, ठंडा हो। क्या थुकू प्रकाश, क्या बोल के गया? एक बात बताइए, ये पेड़ जो है वो कोर्ट में कैसे लगे? चलो यार, चलो खाना खा लो। जवाब दीजिए ना मुझे, मैं पूछ रहा हूँ यार। द्वारिका सदन की रिपोर्ट क्या लिखी? जिंदगी नरक हो गई हसमुखानंद जी। एसपी से काम की बात करो तो मेरे नाम के पीछे पड़ जाता है। ये मानो अपनी छाती पे सुबह शाम मूंग मिल रहा है। ओ सर, मेरे दम सीधा रखिए जी। एक आइडिया है, हम लोग ट्रांसफर ले रहे सर, सांस छोड़ दीजिए सर। जय इज्जत नगर सर। जय इज्जत नगर सर। ये लड़के कौन है सर? स्वप्नलोक एरिया के लड़के हैं। उस दिन लड़की के भाई से इन्हीं लोगों का झगड़ा हुआ था, न्यूज भी आई थी सर। अच्छा जी। विनीत सर, चारों को। ठीक है सर। इन मजनू के झुंड की अगर तबीयत से मरम्मत हो जाए ना तो सारा सच उगल देंगे, फिर इस मानव चतुर्वेदी के बच्चे को मजा चकाएंगे। फिर सारा इज्जत नगर और पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे कदम चूमेगा। सत्यप्रकाश दौड़ गई, दौड़ गई। शाबाश, वेरी गुड। रुको नहीं। यस, ए चलो चलो आगे बढ़ो। बात बच्चों, बहुत अच्छे। और ऊपर, और ऊपर। जब तक सांस नहीं फूलेगी बच्चों तो जवाब कैसे दोगे? मकान चोरी के बारे में हमें कुछ नहीं पता सर, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाते थे सर। खूब तो पहाड़ और निकली चिया। अब सर आज बर्थडे मना लेते हैं। आज कौन का बर्थडे है? किसका बर्थडे सर? 125 करोड़ लोगों से पेट नहीं भरा, तुम्हारा बर्थडे मना लेती सर। बात को बर्थडे मना लेती सर। बात को समझने की कोशिश कीजिए। पुलिसियों बर्थडे, राइट सर। वीडियो कैमरा बिल्कुल तैयार रखना, समझ गए? बिल्कुल सर। सांप बुलवा लिए हसमुखानंद? यस सर। अच्छा और सुनो, जब मैं बोलूं पुलिसिया बर्थडे, कैमरा ऑफ। सर आप चिंता मत कीजिए। तो तुमने प्लानिंग सुनी थी? जी श्रीमान। तीन चार पुलिस वाले ठीक मेरे बिल के सामने आकर आपस में बात कर रहे थे, वो जिसका मकान चोरी हुआ है उसके बारे में। क्या नाम था उसका? हाँ, मानव चतुर्वेदी ने अगर मकान के बारे में सच उगला तो ठीक, वरना उसके शरीर पर डालेंगे थोड़ी सी शराब और कोबरा से कटवा देंगे। बताइए, मेरे किसी रिश्तेदार से कटवा देंगे और फिर डिक्लेयर कर देंगे कि नशे में था, जंगल में सांप ने काट लिया, मर गया है।
करे साले वो और बदनाम हो हम। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। आत्मरक्षा ही सुरक्षा का सबसे उचित साधन है। तो अपने भारती के साथ पूरा ढोल बाजे के साथ डपटे बजा रहे, ढोल बाजे गले में माला पहने, मेड़े के साथ पूरा मेड़े के साथ इधर आ रहे। कैमरा का क्या करूं सर? सर ये कोबरा का क्या करें सर? भागो 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 जल्दी, छुट्टियों को भी अरे भागो, गाड़ी को छोड़ो यार। आत्मरक्षा ही सुरक्षा का सबसे उच्च साधन है, भागो। आ जाओ, ये तो जिप्सी खड़ी है, द्वारिका सदन कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने एक बार फिर खेला है शर्मनाक लुक्का छिप्पी का खेल। जी हाँ, अपनी ही गाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपनी ही गाड़ी छोड़कर फरार हुई पुलिस। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि मानव चतुर्वेदी के साथ पुलिस ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ये मानव चतुर्वेदी को जंगल में बुला के उसका इनकाउंटर करना चाहती होगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। हमारे मकान का जनता का दुश्मन है ये सड़क। आइए अभी कहां से मैं आपको मकान दूं सड़क। द्वार का सदन के मुद्दे को लेकर मैं पब्लिक की सेंटीमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से संभालना है और इस बार सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। What's wrong with you? Sorry, sir. Idiot. तुम लोग जा सकते हो। Dismiss. Hey, you. रुको. Stop. तुम जाओ जाओ निकलो। द्वार का सदन का मुद्दा सॉल्व करो। सॉल्व करो। सॉल्व करो। द्वार का सदन का मुद्दा सॉल्व करो। सॉल्व करो। सॉल्व करो। द्वार का सदन का मुद्दा सॉल्व करो। दे दो। अरे दे दो उसको एक बंगला बाबा, दे दो, यही दे दो। अरे पूरे देश में जय जय हो जाएगी विश्वास। जय 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 जय। क्या हुआ भूमि, क्या हुआ? अब क्या है कि मानव चतुर्वेदी, तो अगर उसने कहीं कह दिया कि बंगला मेरा है ही नहीं तो? नहीं, आपने तो मीडिया में गा दी ना, बंगला मिलेगा, बंगला मिल गया। अभी क्या? और आपको तो पता ही है कि इल्लीगल जमीन पे है बंगला, और ऐसे कई बंगले हमारे पास, और इसकी जांच शुरू हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ जो है ना, द्वारिका सदन से सरकार गिरे ना गिरे, इस उपहार से हो जाएगा बंटा धार। ये लो, उठाओ गिलास और करो चीयर्स। चीयर्स। इसका भी उपाय है विश्वास। क्या है? बहती गंगा में हाथ धो लूं, हवा के साथ उड़ो, बोलो मकान चोरी हुआ है। रोग बढ़े और बढ़ गए रोगी, आगे जोगी बन गए भोगी, मठाधीश बन गए महंत, करने लगे धंधा अब संत। द्रौपदी चीर हरण करवाती सीता, रावण को ले जाती कंस की कैद में है घनश्याम, हार गए रावण से राम, आम आदमी जिसका नाम वही करेगा काम तमाम। क्यों है बेबस मुंह तकता? अरे भैया यहाँ सब आदा पता लापता, यहाँ सब आदा पता लापता। सरकार की तरफ से हम आपसे वादा करते हैं, हम साथ, हम मानव के साथ हैं। मकान चोरी हुआ है तो हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सत्ता पक्ष ने स्वीकार कर लिया है कि मकान गायब हुआ है। सत्ता पक्ष लगा देगा जी जान और खोजेगा मानव का मकान। उस चतुर्वेदी के खिलाफ कोर्ट में 400 बीसी का मुकदमा करने की तैयारी करो सर। अरे बारिश बहुत बातें होती है यार। नहीं, लेकिन एक बात साफ हो गई आज की मीटिंग में, सब कुछ क्लियर हो गया, राइट?
क्लियर हो गया है सब कुछ सब हाँ, देखो भाई अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो, काम करो, ठीक है, अच्छी बात है यार, लेकिन उसके थोड़ा सा ज्यादा एक दूसरे का भी ख्याल रखो ना। सीधी सी बात है, मैं कब से बोल रहा हूँ, देखो absolutely right. अब द्वारे का सदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना मिले तो कुछ बुरा भी नहीं है। रघु कुलर रीत चली आई, सदा चली आई, सदा चली आई। ओ थैंक यू रघु कुलर रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाए। ना ना ना, प्राण जाए उसमें भी फायदा है भाई। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। रघुकुल रीत सदा जली आई, भाई के काम है आता भाई। प्राण जाई पर वचन बैठो। हर कुर्सी को भाग मैं, सारे मुल्क को खो गया मैं, अरे नेकी और जमीर है क्या, जो भी मिला पचा गया मैं। होल कंट्री इज वेटिंग फॉर दिस मिस्टीरियस केस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो व्हाट विल हैपन इनसाइड द कोर्ट टूडे। योर ऑनर, ये अजीब गरीब मुकदमा है, कभी आपने सुना है कि मकान चोरी हुआ है? मकान चोरी हुआ है? ये लाभ ही लाभ कंपनी कोई बेवकूफ लोगों की कंपनी नहीं है जो मुआवजा दे दे 10 करोड़ रुपए का। मानव चतुर्वेदी का दिमाग खराब हो गया। देखिए साहब, हमारा ही द्वारका सदन चोरी हुआ, हमारा ही दिमाग खराब। स्वप्न लोक सोसाइटी में से किसी मकान का चोरी होना तो दूर, एक ईंट तक चोरी नहीं हो सकती। एक ईंट तक चोरी नहीं हो सकती। कागज कहते हैं कि मकान था और कुत्ते कहते हैं कि मकान नहीं था। जनाब कुत्ते कहते हैं। हमें विश्वास था कि ऐसा हादसा हो सकता है और हमने रिपोर्ट दर्ज की, क्योंकि जब इंसान का अपहरण हो सकता है तो मकान का भी अपहरण हो सकता है। साहब सब प्रभु की माया है, वो चाहे तो सबको गायब कर सकता है। किसी लॉजिक के साथ बोलिए, तब किसी की समझ में आए। लॉजिक? लाभ ही लाभ के वकील को लॉजिक समझा रहे हैं। हमारी कमाई लीजिए। मानव चतुर्वेदी, ये आपके दिमाग का फितूर है कि आपका मकान चोरी हुआ? क्या वाकई मकान चोरी हुआ या झूठ है? कि हमारा मकान चोरी ही नहीं हुआ है, हमें मकान से कोई मतलब ही नहीं है। आपकी जो मर्जी हो, आप इनकी बात मानिए। आप हमारा मकान तो क्या, जो फर्नीचर बचा हुआ है उसको भी उठा के अपने घर पे ले जाओ। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत लाभ ही लाभ कंपनी को आदेश देती है कि मानव चतुर्वेदी के क्लेम की रकम उन्हें 1 महीने के अंदर अदा की। As you can see, people are happy here all around. They are celebrating. They are joyful. Everybody is saying it is not only victory of Manav Chaturvedi, it's a victory of whole humanity. लाभ लाभ कंपनी ने किया था द्वारिका सदन का बीमा, देना पड़ेगा 10 करोड़ का मुआवजा। मानव चतुर्वेदी करवाएंगे मिंटू और संध्या की सगाई, जोड़ा रहेगा द्वारिका सदन में। सर, 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 प्लीज 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 सर, प्लीज 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 सर, सर 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 प्लीज, आज से आप लोगों की सेवा समाप्त। आप लोग बाहर जाइए यहाँ से और जाकर के अपने सबूत वहाँ पेश कीजिए। गेट आउट ऑफ हियर, कम ऑन, गेट आउट ऑफ हियर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्लीज गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, आउट, इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो यहाँ से, आउट, गेट आउट, बाहर निकालो यहाँ से। ये सुनो भाइयों, खिसियानी बिल्ली की तरह लाभ ही लाभ ने फाड़े कपड़े। अरे सुनो तो, क्या बात है, सत साहब ने दिया फैसला, खत्म हुए सब लफड़े। एक के हाथ में सूखा मेवा, दूजे के हाथ में लड्डू, स्वप्न लोक में डबल धमाका, चलो चलो खाकर आए लड्डू। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस क्या,
आभारी हूँ। उस वक्त आपको याद होगा, आपने देखा होगा, हाँ मैं काफी टेंशन में था क्योंकि माना भैया का मकान चोरी हो गया था, तो मैं काफी टेंशन में था। अब बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा झगड़ा हुआ था और हाँ, मानव भैया ने कहा कि वो जोड़ों के कमरा दे देंगे वहाँ रहने के लिए, वो जोड़ा वहीं रहेगा, तो मैं मानव भैया का बहुत ही एहसान मानूं। आए सब लोग आ जाओ। जाएंगे अपर कोर्ट की तैयारी करो। यस सर। जियो तो लाभ, मरो तो लाभ। प्लीज सुनो ना, अरे समय के रहते सुधरो बाबू, नहीं खाओगे चाटा। जोबन का ज्वार भाटा, आज टके सिर में बांटा, भाटा टके सिर में बांटा। सब लोग कॉलोनी में मनाया जा रहा था जश्न, रंग में पड़ गया भंग। लाभ इलाभ कंपनी ने मुआवजा देने से किया इनकार, कहा जाएंगे अपर कोर्ट। सर, द्वारिका सदन सिर्फ हमारे लिए मकान नहीं था, हम लोगों की आत्मा थी उसमें।
जिसकी नींव हमारे पूज्य दादाजी श्री द्वारिकानाथ चतुर्वेदी जी ने रखवाई थी और उसकी दीवारें हमारे पिताजी ने बनवाई थी और हम लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से उसकी छत डलवाई है। सर सर द्वारिका सदन चोरी नहीं हुआ है, हमारे दादाजी हमारे पिताजी का सपना चोरी हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट? तुम्हारा सपना चोरी हुआ? यस। इनका सपना चोरी हो गया? यस। मिस्टर चतुर्वेदी, यस, आपके इस बोगस क्लेम के लिए लाभ ही लाभ कंपनी से आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, नॉट वन पैसा। अरे हम भीख मांगने नहीं आए, अपना क्लेम मांगने आए। शट अप। तुम जैसे घटिया मामूली लोगों के सपने पूरे करने के लिए लाभ ही लाभ कंपनी नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज सर, यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, वी आर नॉट ब्लडी मामूली लोग। आई एम मानव चतुर्वेदी BLLB। हम राधेश्याम चंचल कच्चा एमए पास। चिल्ला रहे हो, मेरे ऑफिस में आकर चिल्ला रहे हो? देखिए सर, हम कानून गो हैं, क्लेम तो लेकर रहेंगे, पैसा जमा किया। जो मर्जी हो जाकर करो, लेकिन नाउ यू लीव माई ऑफिस बिफोर आई कॉल द सिक्योरिटी। चले आते, इनका सपना है, इनका सपना पूरा करने के लिए यह कंपनी खड़ी है। साले कुछ भी क्लेम करने चले आते हैं, पागल हो गए हैं, पब्लिक पागल हो गई आजकल। सब पता पता ला पता ला पता ला पता ला पता ला पता। हंस रहे हो सालो? अरे सालो आराम साधो। जितनी दिलचस्पी इन उल्टे सीधे प्लॉटों को देखने में, खोजने में, खेलने में, देखने दिखाने में वक्त बर्बाद करते हो, उसका आधा 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 हिस्सा लेकर मेरे साथ खेलते तो ये द्वारका सदन कभी लापता नहीं होता, लापता नहीं होता। लाखों द्वारका नाथ, लाखों लाखों द्वारका नाथ आज अपने अपने सदन के मालिक होते, मालिक होते। मानव चतुर्वेदी की इंसाफ के चौपाल की मांग, और इसके मद्देनजर देश की सभी ऐतिहासिक इमारतों पर लगाया गया हाई अलर्ट और लोगों ने अपने मकानों की सुरक्षा के लिए विशेष पूजा अर्चना शुरू। पूरे इज्जत नगर से चुनकर गठित की गई 13 लोगों की विशेष समिति, बुलाई गई आपातकालीन बैठक इंसाफ की चौपाल के मुद्दे पर। मानव चतुर्वेदी ने जो है लिखित दे दिया है कि चौपाल का एक सभापति होना चाहिए, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लोग आमने सामने होंगे और जो भी कार्यवाही होगी वो सबको मान्य होगी, सबके सामने होगी। यहाँ पर हमें यह तय करना है कि मानव चतुर्वेदी को द्वारका सदन का मुकदमा इंसाफ की चौपाल में लड़ने का अधिकार दिया जाए या नहीं। जी, इसकी वोटिंग करवा लेनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र में लोगों की राय बहुत जरूरी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में आंकड़े कोई मायने नहीं रखते, मुद्दा मायने रखता मुद्दा। एक मिनट महोदय, एक मिनट। हाँ बोलिए। चौपाल की मांग का सवाल कहाँ से पैदा हुआ? इसकी तय में जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप तय में जाने की कोशिश करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर तक। आप मुद्दे की बात कीजिए, आपको मौका मिलेगा। मुकदमा इंसाफ की चौपाल में चलाया जाएगा तो आपने कभी ये सोचा है कि देश पर और समाज पर इसका क्या असर होगा? एक मिनट, ये चारों तरफ आपको असर नजर नहीं आ रहा? आप लोग द्वारका सदन के मुद्दे पे ध्यान रखो। कुछ कहना है तो ये चौपाल लगेगी कहाँ है? कोई जगह इज्जत नगर में? जगह है ना, हमारे फार्म हाउस पे लगा दीजिए, बहुत बड़ी जगह है। सुनिए महोदय जी, मेरा विचार है जलमपुर के जंगल में जलम नदी के किनारे चौपाल लगाइए। कौन सी नदी की? झेलम, झेलम बोल रहे हैं। झेलम, झेलम आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ? झेलम, झेलम नदी। पिछली बार जब बकरा की रेस कराई गई तो भैया पर्यावरण के नियमों का सारा उल्लंघन कर दिया गया, और अब इंसाफ की चौपाल के नाम पर फिर वही सब किया जा रहा है। प्रजातंत्र में बहुत सारी चीजें कुर्बानी देने के लिए पैदा होती। सुनिए सुनिए, एक बिल्कुल ही गंभीर बात, चौपाल में 125 करोड़ की जनता इज्जत नगर की कैसे आएगी? ये सोच रहे आएगी इंसाफ की चौपाल में? सिर्फ और सिर्फ स्वप्न लोक कॉलोनी के लोग ही हिस्सा लें भाई, बाकी लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट है,
सुबह शाम हाईलाइट्स। एक मिनट, एक मिनट, मुखिया का चुनाव अति आवश्यक है, है, है। ये क्या? इस इज्जत नगर में हर छोटे बड़े को बगैर उसकी योग्यता जाने मौका मिलना चाहिए। प्रजातंत्र इसी को कहते हैं, प्रजातंत्र जिंदाबाद। तो अभी ये फाइनल, जी जी फाइनल, कैसे फाइनल? अभी तो प्रश्न हुए हैं, विचार विमर्श हुआ है, अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला, तो फाइनल कैसे? सुनिए सबकी, लेकिन अपने मन की करो, जी समझे जी, सभापति का चुनाव शुरू करवाओ। We on a house trip, I like it. यहाँ सब अदा पता लापता, यहाँ सब भोजन गई रे बजरिया, गायब हुए मोरे समरिया, गिर के मुंह पे बिजरिया, गायब हुए मोरे समरिया। अरे भैया चौपाल में चलने वाले इस मुकदमे के विश्लेषण के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित की है 6 ऐसी महान हस्तियां जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है। सर प्लीज बी सीटेड। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इंसाफ की चौपाल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि द्वारिका सदन की चोरी के उपलक्ष्य में दुल्हन की तरह सजाई गई है इंसाफ की चौपाल। देश और दुनिया की नजरें एक टक लगी हुई हैं इंसाफ की चौपाल के उद्घाटन पर। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। सकल सुनो सज्जन सुनो, छोटे बड़े तमाम रहते जहां, हम सारे उसका इज्जत नगर है, बीच में अर करते हैं ता थैया, रोजी रोटी और लंगोटी की खातिर मेरे भैया, हाँ जी हो मेरे भैया, हो मेरे भैया। नगर का हाल कहे कांतों से, सब कुछ चल रहा राम भरोसे, इज्जत जाए राम भरोसे, इज्जत पाए राम भरोसे। कुछ चल रहा राम भरोसे, अरे हर सूरत
कसता हूँ मैं हर सीरत को डसता हूँ मैं, कोई ना बच पाए मुझसे। ऐसी जाल में कसता हूँ मैं, मेरा नाम है भैया नकली, अरे मेरे पास नहीं कुछ असली, अरे कहानी ही नकली, कहना नकली, रिश्तों का नजराना नकली, अरे बाबू नकली, मैया नकली, पैसा और रुपया नकली, नकली रे नकली रे नकली रे नकली रे नगरी का हाल कहेगा हाथों से, सब कुछ चल रहा राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। जवानी 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 है पर्ची की धार, करूं मैं रोज नया व्यवहार, हमारे 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 आगे पीछे संसार, करूं सुंदरता का व्यापार। मेरे भगवान है, देख के सब शर्मिंदा हूँ, मरा नहीं अभी जिंदा हूँ, अरे टूटी फूटी हालत में रहता हूँ मैं अदालत में, जान बूझ के डाली है, आंख पे पट्टी काली है, अपने पे विश्वास के साथ संपन्न हुआ इंसाफ की चौपाल का भव्य उद्घाटन। सत्य में जयते की गूंज से झूम उठा पूरा इज्जत नगर और सभापति की आंखें हुई नम। कल शुरू होगा इंसाफ की चौपाल में द्वारका सदन का मुकदमा। जा रहा है तो आइए वहीं चलते हैं सीधा। हाजरीन, ये इंसाफ की चौपाल है, हम सब भी चौपाल हैं, इसलिए सबसे पहले हम शब्द लेते हैं। हम जोश और होश में ये शब्द लेते हैं कि चौपाल की कार्रवाई में बनाए गए नियमों का पूरी सच्चाई एवं ईमानदारी से पालन करेंगे, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करेंगे और चौपाल को चलाने में
तन मन धन से हर संभव मदद करेंगे। मुझे शपथ के लफ्जों से सख्त आपत्ति है। ये मन और धन तो है क्या नडस्ट है, बाकी तन किसका तन? आप हमेशा तन के क्यों खड़ी हो जाती है किसी बात पे भी, और आप हमेशा धन पे क्यों अटक जाते हैं? धन इम्पोर्टेंट है, धन इम्पोर्टेंट है। ये जो धन खर्च हो रहा है ये हम में से आपका धन है, ये उनका धन नहीं है। क्या करें, छीन लें? अरे मैं बता रहा हूँ, पारंपरिक शपथ है जी। इस पे इतना बहस क्यों कर रहे हैं? बहस के लिए तो बैठे हैं। सभासद, इंसाफ की चौपाल में बैठे हुए सभी लोग कृपया ध्यान से सुनिए, विशेषकर वादी प्रतिवादी। अरे सिक्योरिटी और मेडिकल का सारा खर्चा मिला के आज तक खर्चा 46.5 करोड़ रुपए हुआ। देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो में दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि शास्त्री जी के काफिले में महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है। कार्रवाई शुरू होने से पहले सबकी हाजिरी जरूरी है। उपस्थित श्रीमान, उपस्थित श्रीमान, सेवाग्राम, भाईजान भाई, श्रीमान, लाभी लाभ। देखिए इंसाफ की चौपाल वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों से ये अनुरोध कर रही है कि एक साथ खड़े ना हो, एक एक करके बोलिए ताकि जजेस आसानी से आपकी डिटेल्स नोट कर सके, सबको अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा सके। सारे लोग सुनिए, आप सारे के सारे लिखित गवाही देंगे। इसे अपनी पांचवी क्लास याद आ गई। वो तख्ती पाटा आपका होगा, मेरा तो कागज कलम। ठीक है ठीक है। देखिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सर बयान लिख रहा हूँ। बयान लिख रहे, इनसे पूछ के कॉपी दीजिए सर। आप कॉपी दीजिए, आप सर आप कॉपी नहीं देंगे सर? पूरे जी इधर आइए, इधर आइए आप। आप सबके सामने मैंने इस जेंटलमैन को रंगे हाथों पकड़ा है, बताइए क्या करना चाहिए। एक मिनट, देखिए चौपाल के मर्यादा को भंग ना कीजिए। देखिए शास्त्री जी भी देख रहे हैं। देखिए द्वारका सदन के मुकदमे को शांति से चलने दें, इसमें सहयोग करें, एक गलत बात है, बहुत गलत बात है। कॉपी जमा करने का आदेश हो चुका है। चलिए सभापति महोदय, मेरी भी सुनिए आप। अरे इनका तो मकान चोरी हुआ है, हमारा तो पजेशन ही नहीं मिला है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी द्वारका सदन का मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। शांत हो जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर्वहारा जब विक्षिप्त होगा तो यही होगा। सभापति महोदय, बड़े शर्म की बात है। ये गवाही की कॉपी मैं तभी दूंगा जब मेरा केस सॉल्व हो जाएगा। शाम दे दूंगा पर कॉपी नहीं दूंगा। महोदय, सभापति महोदय, द्वारका सदन का केस खत्म होते होते मेरे मकान का केस भी खत्म होना चाहिए। सभापति, इंसाफ की चौपाल वादी प्रतिवादी को ओपन बहस का आदेश देती है। ओपन बहस होने से पहले वादी प्रतिवादी का शारीरिक मानसिक चेकअप कराया जाए। तो आपने जमीन से जुड़वा ही दिया। आज की कार्रवाई समाप्त। चौपाल में आए हुए समस्त नारी तक मेरी आवाज जा रही है तो कृपया ध्यान दीजिए। एक माता जी वो अपने बच्चों से सो गई है, कृपया जो भी उनका रिश्तेदार हो, पुत्र हो, आकर माता जी को पूछताछ कार्यालय से ले जाए। आज की कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात और से सुनिए, बहुत जल्द हम इतिहास बनने वाले सारी दुनिया कि हम इतिहास बन गए हैं। देखिए बंद करिए आप, लेकिन फिर भी मर्यादा को उल्लंघन करना कहां का नियम है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूछिए, आम आदमी से नहीं। अजी सर कुछ तो बताइए सर, बताइए तो जाइए सर। सर 50 करोड़ रुपए भी खर्च करते ना तो अपनी कंपनी की ऐसी पब्लिसिटी ना कर पाते। सर एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मीडिया पब्लिसिटी। सर द गुड न्यूज इज पिछले 2 हफ्ते से सारे ब्रांचेस से यही रिपोर्ट है, सब लोग अपने मकानों का बीमा करवा रहे हैं और तो और पब्लिक टॉयलेट्स के भी करवा रहे हैं सर। सर आई मस्ट टेल, चौराहों पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है सर, लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, आई एम फेड अप। देखो ये मुकदमा आगे चलता रहना चाहिए, इसको जितना खींच सको खींचो, ताकि कंपनी का नाम हमेशा पेपर के फ्रंट पेज पर आता रहे। ओके
ओके सर। एंड आई थिंक नाउ इट इज टाइम टू सेलिब्रेट विद द एंटायर स्टाफ। और इस मौके पर सब लोग ब्रांच के लोगों को बुला लेते हैं सर। अरे हाँ उनको तो बुलाओ। अरे भाई उनके कपड़े भी मंगवा लेना। वेलकम। अरे तुम भी थोड़ा मीठा खाओ मेरे हाथ से। इज्जत नगर की निगाहें आज इंसाफ की चौपाल पर हैं। सबकी चिंता का एक ही विषय है, मकान चोरी हुआ या नहीं। एक बड़ा प्रश्न है हम सबके सामने। मैं बताना चाहूंगा कि वादी प्रतिवादी की शारीरिक मानसिक परीक्षण की रिपोर्ट माननीय सभापति जी के पास मौजूद। भाई ये सेवक राम कौन है? अच्छा अच्छा सेवक राम, बोलते क्यों नहीं हो सेवक राम? सभापति जी वो बोल नहीं सकते हैं। आप लोग बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। सेवक राम आप खड़े रहिए, मेरी बात सुनिए। मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि आपका IQ लेवल माइनस में। शांत हो जाइए। ये क्या बहस करेंगे, इनका तो IQ ही नहीं है। आप लोग मुकदमे को सुलझाना चाहते हैं या उलझाना चाहते हैं? आखिर चाहते क्या है आप लोग? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। IQ लेवल अनाउंस करना वो भी पब्लिकली सरासर अन्याय है, किसी को नंगा करने के समान है ये। पवित्र न्याय भूमि पर कोई स्वयं अपना चीरहरण कर रहा है, इतनी सी बात, इतना सा IQ लेवल आपको समझ नहीं आ रहा है? आप लोग मिलकर साजिश करते हैं। क्या साजिश है? हमें नहीं चाहिए मकान, मकान हमें मकान नहीं चाहिए। तेरा को तो आदेश दिया जाता है धर्म की बात, सब समाप्त करो, द्वारका सदन नहीं चाहिए। अरे मुंशी मर जाएगा, मुंशी मर जाएगा, मुंशी मर जाएगा। बुर्जुआ लोगों का षड्यंत्र सर्वहारा के खिलाफ। मानव चतुर्वेदी का रोता हुआ चेहरा देखकर अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कभी नहीं समझेंगे आप। अदालत की चौखट पर देश की पलटन है, खूब चकल्लस है, थोड़ा सा टशन है, हालात है खिंचे तने, फिर भी नियंत्रण है, पर डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है, पर डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है। देखिए जहाँ भीड़ होती है वहाँ भगदड़ भी होती है। चोरी हुआ मानव का द्वारिका सदन है, इज्जत नगर की इज्जत पे गई बन है, कागजी मकान खाब नंगे बदन है, इज्जत की पड़ी किसको खुद में ही सब मगन है, पर डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है, पर डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है, पर डोंट टेक। अरे हमें यदि आप मेंटल कहोगे, पागल कहोगे, तो हम पानी में कूदेंगे, अरे जमीन फाड़ के अंदर जाएंगे पाताल में। गवाहों के जंगल, नेताओं के दंगल है, मंगल नहीं सब हो रहा अमंगल है, मोरों की नगरी में चोरों का संगम है, डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है। What the hell is going on? Every day we are wasting time. पर डोंट टेक टेंशन सब टनाटन है। केची से बढ़कर सुबाने चली हैं, बालों की खालों की खाले छिली हैं,
वादी प्रतिवादी लंगोटा कसे हैं। अब किसके हक में देखो होना डिसीजन है। डोंट टेक पर डोंट टेक टेंशन सब ही टनाटन है। डोंट टेक टेंशन सब ही टनाटन है। डोंट टेक टेंशन सब ही टनाटन है। पर डोंट टेक टेंशन सब ही टनाटन है। डोंट टेक टेंशन सब ही टनाटन है। सभी लोग कृपया ध्यान रखिए, अब इंसाफ की तपाल लिखित गवाही की जांच करके अपना फैसला सुनाएगी। कानूनी काम है ये। सॉरी सर, मजाक समझ रखा है आपने। एक तरफ कॉपियों की जांच शुरू हुई और दूसरी ओर गर्म हुआ सट्टाबाजा। मार्केट में भैया लाभ ही लाभ होता है, दो ही हैं दो, बाकी पुलिस परिसर में स्पेशल फोर्स करेगी मानव की सुरक्षा, और इसी बहाने पुलिस वाले भी रहेंगे सुरक्षित। एक बार फिर गवाही के लिए तलब किए गए मानव चतुर्वेदी और सत्य प्रकाश। प्रेडिक्शन ने हमें छोड़ दिया है बहुत ही रोमांचक मोड पे। जजेस ने भी रखा अपना अपना पक्ष। माननीय चौपाल का सम्मान करना, आदर करना अनिवार्य है, और कोई भी फैसला आए हमें सह स्वीकार करना चाहिए और शांति बनाए रखे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसकी हम सबको काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। अभी अभी हमें सूचना मिली है कि श्रद्धे शास्त्री जी का काफिला इंसाफ की चौपाल के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका है। नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा आकाश मंडल गूंज रहा है। शास्त्री जी का काफिला प्रवेश द्वार से प्रवेश कर चुका है। गाजे बाजे के साथ बच्चों की टोली शास्त्री जी की अगुवाई करती हुई जजेस के चेहरे पर झलकती हुई खुशी ये बात साफ जाहिर करती है कि वाकई द्वारका सदन के मुकदमे पर काफी गहन चर्चा के बाद टीम एक निर्णय पर पहुंची है। वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष शास्त्री जी का अभिवादन करने को आतुर हैं। ये बात स्पष्ट मालाओं की साइज से देख सकते हैं किसके अंदर कितनी व्याकुलता है। साथियों, द्वारका सदन का मुकदमा आज एक नया इतिहास रचेगा और इतिहास लिखा जाएगा। इंसाफ की चौपाल में हम सबके सामने जिसकी पूरी दुनिया साक्षी है। दुनिया के लोग आते हैं इंसाफ की चौपाल से उस आवाज को सुनने के लिए जो आज यहाँ द्वारिका सदन चोरी हुआ या नहीं इस बात का फैसला करेगी। देखिए, सभापति जी को घेरे नहीं, एक एक करके माला पहनाए, गंध प्रदूषण हो सकता है, चिल्लाए नहीं। वहाँ से जगह छोड़िए, जगह बनाइए, शास्त्री जी को छोड़िए, शास्त्री जी को हवा लगने दीजिए। वो सब लोगों को आदेश दिया जाता है फैसला सुनने के लिए अपनी जगह पर आकर बैठे। इंसाफ की चौपाल आप सबकी चौपाल है, कृपया शांति से बैठ जाइए। साथियों, द्वारका सदन के सारे पहलुओं का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद इंसाफ की चौपाल इस नतीजे पर पहुंची है कि मानव चतुर्वेदी के द्वारा
ईंट गारे से बनाया गया द्वारिका सदन चोरी नहीं हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है इज्जत नगर की पहली सालगिरह पर हर्षोल्लास के साथ एक ऐसे सदन की बुनियाद रखी गई थी जिसकी भूमि पवित्र होगी, जिसकी दीवारें सत्यता के मजबूत गारे से रखी जाएगी, जिसकी छत अहिंसा की चादर से ढलेगी और जिसके अंदर दया की चारों तरफ हवा बहा करेगी। असल में इज्जत नगर का वो सत्य अहिंसा दया पवित्रता का सिस्टम रूपी द्वारिका सदन चोरी हुआ है। इसके लिए इंसाफ की चौपाल लाभ ही लाभ कंपनी सहित हम सबको यानी इज्जत नगर के पूरे मानव समाज को दोषी मानती है। कोई कम कोई ज्यादा, कितने शर्म की बात है। इन 63 सालों में हमारा इज्जत नगर कृषि प्रधान से नौटंकी प्रधान देश बन गया है। साथियों, सिस्टम सर्वोपरि है, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, जहां सिस्टम को सम्मान मिलता है दुनिया उसका सम्मान करती है, क्योंकि सिस्टम है तो अता पता है, वरना सब लापता है। खरीदेंगे हम
आप हवा धूप पानी खरीदेंगे हम। ये जमीन बिक चुकी बदबू अब हो रही वादियों में रवा, सांस लेना भी अब होगा दूभर या जादू करने का करप्शन की छल जाएगी, ये प्रदूषण की नाग निकल जाएगी, सांस और जिंदगानी खरीदेंगे हम, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम।